शनिवार को होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा में भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष ईश्वरदास जमींदार के निवास पर आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित की गई। युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष ईश्वरदास जमींदार ने जानकारी देते हुए बताया कि आज भाजपा के पितृपुरुष दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती बूथ स्तर पर मनाते हुए वार्ड क्रमांक 9 में जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अतिथियों ने विचार व्यक्त करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि हमें दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाने मात्र से कोई फायदा नहीं होगा, हमें उनके जीवन को, उनके उद्देश्यों को अपनी प्रेरणा बनानी होगी, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलना होगा, तब यह जयंती सार्थक होगी। साथ ही साथ उन्होंने उपाध्याय जी के अंत्योदय अंतिम व्यक्ति के विकास पर विचार रखते हुए कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस वर्तमान में सत्ता के लालच में झूठे वादे से बहला फुसलाकर आम जनता की चिंता कर रही है। यदि उन्होंने यही चिंता उनके लंबे शासन काल में की होती तो आज भाजपा को दीनदयाल उपाध्याय जी के अंतिम व्यक्ति के अंत्योदय के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि कांग्रेस ने जनता को मकान, बिजली, सड़क, गैस, शौचालय आदि यदि पहले ही दे दिया होते तो भाजपा को यह सब काम 21वीं सदी में करने की आवश्यकता नहीं होती। आज भाजपा आम जनता की इन सब मूलभूत सुविधाओं को पूरी ताकत के साथ पूरा कर रही है और उसी का परिणाम है कि जनता जनार्दन ने प्रदेश में 4 बार और केंद्र में लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। हम क्षेत्र की जनता को पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि आगे भी भाजपा की सरकार जनहित की योजनाओं के साथ जनता के विकास में लगी रहेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से यह संकल्प लिया है कि हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को भाजपा के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाना है। कार्यक्रम का संचालन युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष ईश्वरदास जमींदार ने किया एवं आभार व्यक्त जनुल अवंसी ने किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष अजीत मंडलोई, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि शंभू सिंह भाटी, पूर्व जिला महामंत्री रघुवीर राजपूत, पूर्व जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव नारायण जमींदार, मंडल अध्यक्ष अभिषेक शर्मा, पूर्व मंडल अध्यक्ष सचिन अग्रवाल, शैलेंद्र गौड़, विजय कुचवंदिया, किसान मोर्चा नगर अध्यक्ष जनुल अवंसी, महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष कृष्णा व्यास, कमलेश लौरवंशी, दीपक पालीवाल, ऋषिकांत पटवा, युवा मोर्चा जिला महामंत्री विक्रम सूर्यवंशी, ईश्वरदास जमींदार सहित पार्टी के कार्यकर्ता एवं वार्डवासी उपस्थित थे।